हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स लोगों ने अपनी राय दी है कि ब्राइटकॉम ग्रुप में क्या करना चाहिए, जो कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, बुकिंग हाउस के, वो आपको बताने जा रहा हूँ। एंड फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बताने के पहले आपको बता दूँ कि जिसको भी चाहिए जैकपॉट शेयर मंडे के लिए, जो कि 1 डे से 10 डेज में 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मंडे के लिए जैकपॉट शेयर रेडी है। फ्राइडे को मैंने एक ही जैकपॉट शेयर दिया था, वो गया 20% अपर सर्किट में। मंडे को ही उसमें 10 से 20% मिल जाएंगे जिन लोगों ने जैकपॉट शेयर सर्विस ली फ्राइडे के लिए। एंड फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आ रही है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, कि आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम मैनेज करेगी और जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंटेज हमारी टीम लेती है। कोई भी उसके लिए एडवांस पेमेंट, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कुछ भी हम लोग लेते नहीं हैं। ये सर्विस भी जिसको जिसी को चाहिए होगी वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, देखिए काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ एक एक करके। मेरी जरा मॉर्निंग से भागा दौड़ी चल रही है क्योंकि मैं भार्गव आया हूँ। आई टोल्ड यू आई केम टू ड्रॉप माई सन टू द एयरपोर्ट, और यूएसए गया मेरा फ्रेंड, मेरा सन, और उसके बाद में जरा मुझे कुछ काम भी थे वो करने में बिजी था। अब मैं फिर से ट्रैवलिंग में रहूँगा, जब एक एक करके सबके जवाब दूंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए। और इसीलिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ करके रखा हुआ है कि मैं व्हाट्सएप पर ही 300-400 मैसेज आते हैं, उनका जवाब देते देते काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ करके रखा हुआ है। और कोई बात नहीं है क्योंकि कमेंट्स के भी जवाब फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि देना चाहिए, तो इसीलिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ करके रखे हुए हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर ही मुझे 300-400 मैसेज आते हैं, उसका जवाब देते देते मुझे सवेरे के 3-4 बज जाते हैं। तो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, अभी एक बार कार में बैठ जाऊँ तो एक एक के जवाब देते जाऊँगा मैं, और जिनसे बात करना ज़रूरी है बात भी करूँगा मैं। फ्रेंड्स, तो इसीलिए जिसको भी चाहिए होगा जैकपॉट शेयर या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस मंडे से शुरू करनी होगी, वो व्हाट्सअप करके बोल सकते हैं 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, आप जानते हैं लोअर सर्किट में गया था ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, और इस बीच ही कल नोटिफिकेशन आया और कंपनी ने डिक्लेयर किया है 30 मई को कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, साथ में डिविडेंड भी जो है कंसिडर करने वाली है। तो ये दो इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसके कारण हो सकता है मंडे को शेयर घूम भी जाए, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट इन द मीन टाइम इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया है ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें दो एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी है ब्राइटकॉम ग्रुप में क्या करना चाहिए। पहले एक्सपर्ट है नीलेश जैन, जो कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है, AVP है, इक्विटी रिसर्च टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स सेंट्रम ब्रोकिंग में। सेंट्रम ब्रोकिंग ये काफ़ी पॉपुलर ब्रोकिंग फर्म है, उन्होंने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि इस शेयर में रैली आने का कोई वजह उनको दिखती नहीं है, कितनी रैली क्यों आई इसके अंदर, मतलब 9 रुपये से शेयर इतना ऊपर जो गया उनके हिसाब से ये जिसको कोई रीज़न नहीं था, और इसमें इतना रैली आने का रीज़न नहीं था, तो ये शेयर से थोड़ा दूरी बना कर रखना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि उनको लगता है कि ये शेयर काफ़ी रिस्की है इन्वेस्टर लोगों के लिए। ये राय थी नीलेश जैन, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इक्विटी रिसर्च सेंट्रम ब्रोकिंग। उसके बाद में दूसरे एक्सपर्ट जो है मनोज डालमिया, जो कि प्रोफिशिएंट इक्विटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर है, उन्होंने कहा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप यह शेयर काफ़ी वोलाटाइल है, काफ़ी तेज़ी से ऊपर भी जाता है और काफ़ी तेज़ी से नीचे भी आता है, और इसीलिए स्मॉल इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि कब इसमें से एग्जिट करना है और कब एंट्री करना है, और इसमें वो फंस सकते हैं, ऐसा उनका कहना है मिस्टर मनोज डालमिया का। उन्होंने ये कहा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप में पैसा लगाना भी है तो थोड़ा बहुत लगाइए, बहुत ज़्यादा मत लगाइए। कंपनी पे सेबी की इंक्वायरी बैठी हुई है और आउटकम अभी तक आया नहीं है, कुछ भी आ सकता है, तो इसमें काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व है, तो जब तक सब बातें क्लियर नहीं हो जाती है इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत पैसा ही लगाना चाहिए, ज़्यादा पैसा लगाना नहीं, जो कि आपके लिए रिस्की और घातक साबित हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। तो फ्रेंड्स, ये दो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कहा है ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। बट अब क्वार्टर फोर के रिजल्ट के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अब देखना यह है कि रिजल्ट का डेट आने के बाद शेयर मंडे को घूमता है या नहीं घूमता है, तो पता चल जाएगा हम लोगों को कि मार्केट ने इस न्यूज़ को पॉजिटिव लिया है या नेगेटिव लिया है। बट ओवरऑल देखा जाए तो सब लोगों को एक होप है कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट आएंगे और उसके बाद में सब बातें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कंपनी ने
सब्सिडरीज के जो रिजल्ट है वो भी अच्छे प्रेजेंट किए थे, प्लस कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आ गई है कि कंपनी डिविडेंड देगी, मतलब कंपनी के पास पैसा है, कंपनी डूब नहीं रही है, इस बात का ये इंडिकेशन है। तो इसीलिए होप, लेट्स होप कि मंडे से ही शेयर घूम जाए, जो कि दो दिन से लोअर सर्किट में जा रहा है। और भी कुछ होगा तो मैं कल आपको अपडेट करूँगा, कल उसके बारे में एक दो और बातें बताऊँगा बैठक ग्रुप के, तो बने रहिए एंड थैंक यू। मैं आज ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, कार में वीडियो बनाने में तक्लीफ होती है, एक्चुअली चक्कर आते थोड़े से, क्योंकि वो लिखना पड़ता है रात रात को, सब पॉइंट बना के फिर बनाना पड़ता है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड यस आई विल रिप्लाई टू ऑल द मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, प्लीज़ वेट, प्लीज़ बेयर विद मी। थैंक यू फ्रेंड्स।